to buy the recent dad's farewell. So make the best of this and don't ask me why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable but I know it's right. I hope you had a time of your life. चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉर्ड है जी मेजर, जिसमें हम ये दोनों फिंगर्स यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर की स्ट्रिंग पे, ठीक है, थर्ड फ्रेट में, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको ये नहीं ये यूज करना है। तो ये जी मेजर कॉर्ड है। उसके बाद ऊपर की दोनों जो फिंगर्स उनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, सी एट ए नाइन हो जाएगा। और नीचे की दो फिंगर्स वैसे ही रखी रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, सी एट ए नाइन, ठीक है। उसके बाद है डी मेजर, उसके बाद है E minor and एक सिंपल C, ठीक है। तो ये पांच कॉर्ड्स यूज़ हैं, फिर से देख लेते हैं। G major, C at 9, D major, E minor and C major, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जो मैंने रिदम यूज की है वो कुछ इस तरीके से है, जो मैंने रिदम यूज की है वो कुछ इस तरीके से है, डाउन डाउन अप अप डाउन, ठीक है, डाउन डाउन अप अप डाउन, जो लास्ट का डाउन वैसे फिलर भी काम करेगा, डाउन डाउन अप अप डाउन, वंस अगेन डाउन डाउन अप अप डाउन, ठीक है। तो जहां जहां पे हम कुछ भी गाएंगे साथ में तो ये यही रिदम यूज होगी, लेकिन जो बीच में म्यूजिक का पार्ट है उसमें डिफरेंट रिदम यूज होगी, ठीक है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो ये है पहले इसको देख लेते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन, ठीक है, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन। अब जो म्यूजिक का पार्ट बीच में आता है, ठीक है, वो दो तीन बार आएगा, आपको उसको प्ले करना होगा, ठीक है। तो उसमें जो रिदम यूज की है, अगर आप ओरिजिनल सॉन्ग सुनेंगे, ठीक है, तो उसको सुन के एक आइडिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो मैंने यूज किया रिदम वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर ओरिजिनल सॉन्ग सुनेंगे और अपने हिसाब से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो डाउन डाउन और अप अप के फॉर्म में प्ले बताना होगा तो मैं इस तरीके से बताऊंगा, डाउन डाउन, ठीक है, दो स्ट्रोक डाउन है, देन तीन अप है, फिर एक डाउन 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 अप है, ठीक है। उसको exactly इसी के तरीके प्ले करें, वो जब फ्लो आपका होगा, जब आप सुन रहे होंगे तो जैसे भी बनता है आप उस तरीके से आप उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइम बीट है वो सिर्फ डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। चलिए प्रोग्रेशन देख लेते हैं। तो पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो जी मेजर, सी एट नाइन एंड डी मेजर, ठीक है। और जब इस तरीके से आप रिदम प्ले करेंगे तो कोशिश करिए कि जो लास्ट के जो हाई ई है, ये वन नंबर की स्ट्रिंग, इस पे आप हिट ना करें। जब आप जी मेजर और सी एट नाइन प्ले कर रहे हैं, डी मेजर प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आप प्ले कर सकते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा बेहतर साउंड करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर साउंड करेगा ऐसे। तो ये जी मेजर टू सी एट नाइन टू डी मेजर है, ठीक है। Another turning point.
अब सी एंड नाइन पे अब फोर स्ट्रोक अब डी पे आएंगे रो सेम नेक्स्ट लाइन के लिए भी ट्राइंग ग्रैब्स यू बाय द रिस्ट सी एंड नाइन ट्राइंग्स यू डी मेजर रो ठीक है तो सी मेजर सी एंड नाइन डी मेजर डिफरेंट प्रोग्रेशन आएंगे ई माइनर डी मेजर सी मेजर एंड जी मेजर ठीक है ई माइनर डी मेजर सी मेजर एंड जी मेजर सो मेक द ई माइनर से शुरू करेंगे फिर डी पे आएंगे सो मेक द बेस्ट ऑफ इट ई माइनर टू डी मेजर देन सी मेजर टू जी मेजर बेस्ट एंड डोंट गो ना ना ठीक है सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस एंड डोंट आस्क मी व्हाई Next line the same way. It's not a cushion but a lesson learned in time. ठीक है तो इसको रिदम में कैसे प्ले करेंगे ये देख लेते हैं So make the best of it. It's not a cushion but a lesson learned in time. अब जो प्रोग्रेशन है वो डिफरेंट है E minor, G major, E minor. G major then उसके बाद जो है वो E minor D major and G major है ठीक है It's something unpredictable and it's like I hope you had a time of your life तो इसमें जो पहली लाइन थी वो E minor to G major E minor to G major then E minor to D major then G major ठीक है It's something unpredictable and it's like I hope you had अब यहाँ से जो आपको रिदम बताई थी वो प्ले करनी है दो बार इसको जी मेजर सी एंड नाइन एंड डी मेजर पे इसको प्ले करना है और जो आगे का पैराग्राफ है वो एग्जैक्टली जो हम प्ले कर चुके हैं वैसे ही है Exactly जैसे हम ऊपर पैराग्राफ जैसे इंट्रो प्ले किया वैसा ही है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हाँ अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच